हाय एवरीवन, आई एम जरक शाह। फ्रेंड, आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कुछ इस टाइप का क्लास रूम अनाउंस करूंगा। तो बाकी यार, लास्ट टाइम जो मैंने वीडियोस अपलोड की थी, जिस वीडियो पर मैंने लिखा था जीशान, ठीक है, इस वीडियो के नीचे एक भाई ने मतलब कमेंट्स किया था कि भाई आप फोगेटिवा फॉन्ट से वीडियो बनाओगे, मतलब ये कि इस फॉन्ट पे आप भाई वीडियोज बनाएं। एक दो और वीडियो में भी इस भाई ने मुझे कमेंट्स किया था, आज इसी फॉन्ट पे मैं आप लोगों को वीडियो बनाना चाहूँगा। वीडियो बहुत कमाल को होने वाली है, वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दीजिएगा। चलिए आज की वीडियो शुरू कर देते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले आप लोगों ने पिक स्लैब में आना है और सिंपली एडिट में आ जाना है, ठीक है। तो बाकी इस ईशान नेम वाली वीडियो के नीचे इस भाई ने कमेंट्स किया था कि भाई इस फॉन्ट से वीडियो बनाएं। बाकी एक दो और वीडियोस थी, उस पर भी इस भाई ने यही कमेंट्स किया था सेम कि भाई इस फॉन्ट से वीडियोज बनाएं। तो मैं आज आप लोगों को इस फॉन्ट से वीडियो बनाना सिखाऊंगा। सबसे पहले आप लोगों ने सिंपली यहाँ पर नेम टाइप करना, मैं सारा लिखूंगा, फिर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आप लोगों ने ए बी वाले ऑप्शन में आ जाना है। तो बाकी यार, दो तीन दिन से मैं वीडियोज़ नहीं बना सका, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, क्योंकि यार घर में बहुत ज़्यादा काम होते हैं और भी बहुत ज़्यादा मसरूफियात होती है, जिस वजह से यार मैं वीडियोज़ नहीं बना सका, ठीक है। बाकी डेली की बेस पर मैं वीडियोज़ बनाया करूँगा। ये वाला फॉन्ट मैंने ले लिया जो इस भाई ने कहा था, ठीक है। रिक्वेस्ट डिमांड आई थी तीन चार वीडियो के नीचे, भाई ने कमेंट्स किया था, मैंने आप लोगों को प्रूफ भी दिखाया है, इसलिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ। अगर आप लोगों की भी कोई रिक्वेस्ट डिमांड है तो आप कमेंट्स करके कह सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों की रिक्वेस्ट को मद्देनजर रखते हुए मैं वीडियोज़ बनाऊंगा। अब आप लोगों ने यहाँ पे आना है और यहाँ पे आना है, मैं यहाँ पर मार्क लगा रहा हूँ, आप लोगों ने मार्क पर ध्यान देना है और मेरी बातों पर भी ध्यान देना है, ठीक हो गया। इतना होने के बाद सिंपली आप लोगों ने इसको सेव करना है अल्ट्रा में और सेव टू गैलरी कर देना। अब आप लोगों ने आना है सीधा पी एस टच ऐप में। अच्छा फ्रेंड, यहाँ पर मैं पी एस टच ऐप में आ चुका हूँ। आप लोगों ने सिंपली प्लस पे आना है, प्लस पे आने के बाद फोटो लाइब्रेरी में आना है और सबसे पहले आप लोगों ने करना है क्या, पिक्चर ऐड कर लेनी है, ठीक हो गया। बिल्कुल आसान स्टेप्स हैं, बस वीडियो में आप लोगों ने एंड तक बने रहना है, आप लोगों को स्टेप बाई स्टेप गाइड करता हुआ चलूँगा, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर पिक ऐड होगी, इसकी आप लोगों ने एक डुप्लीकेट कॉपी करनी है, ठीक है। इस पिक को थोड़ा सा डार्क करना है, इसका ब्लेंड मोड जस्ट यहाँ पर आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर लेना है और यहाँ पे इसको मर्ज डाउन कर देना। ये देखें, एक लेयर में कन्वर्ट होगी और डार्क भी होगी। अब आप लोगों ने सिंपली करना है कि यहाँ पे आना है जिस जगह पे मैं मार्क लगा रहा हूँ और अपना नेम ऐड कर देना। किस फोल्डर में होगा, पिक्सलैब वाले फोल्डर में होगा, तो यहाँ पर मैं नेम ऐड कर दूंगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, स्टेप बाई स्टेप आप लोगों को गाइड करता हुआ चलूँगा, ठीक है। यहाँ तक होने के बाद सिंपली आप लोगों ने इसकी दो डुप्लीकेट यहाँ से कॉपी कर लेनी है, ठीक है। यहाँ पे आना, दो डुप्लीकेट कॉपी इस वाली लेयर को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आना जिस जगह पे मार्क लगा रहा हूँ, ठीक हो गया। और इसी बेसक में रहना है, सिंपली लाइटिंग में आके ये जो एरो है इसको पकड़कर यहाँ पे ले जाना जिस जगह पे मैं मार्क लगा रहा हूँ, ऊपर इसको फुल ब्लैक कर देना है। फिर आप लोगों ने यहाँ पे आना है, यहाँ पे आने के बाद सिंपली यहाँ पे जिस जगह पे मार्क लगा रहा हूँ यहाँ पे लाजमी से ध्यान दीजिएगा, इधर आ जाना, स्क्रीन ब्लेंड मूड करना है। फिर सेकंड लेयर को कर देना है सेलेक्ट, फिर आप लोगों ने आ जाना है एफ एक्स में, एफ एक्स में आने के बाद इसी ऑप्शन में रहना है और ड्रॉप एंड शेडो को कर देना है सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने 135 पे एंगल ब्लर 5 और जो डिस्टेंस है ये 6 पे, ठीक हो गया। इतना होने के बाद आप लोगों ने इसका ब्लेंड मोड यहाँ से मल्टीप्लाई कर देना है। फिर आप लोगों ने इस वाली लेयर में आ जाना है, इस वाली लेयर में आने के बाद एफ एक्स में आना है, एफ एक्स में आने के बाद बेसिक में रहकर आप लोगों ने आ जाना है बेवल में, बेवल में आने के बाद आप लोगों ने 45 पे ब्लर कर देना है, 45 ही डिस्टेंस करनी है। पहला एंगल आप लोगों ने 180 पे कर देना है, सॉरी आप जो है ना ये ब्लर 15 पे करें, डिस्टेंस भी 15 करें, ये ज़्यादा हो गया। इतना होने के बाद फिर आप लोगों ने एफ एक्स में और बेवल में आ जाना है, 45 पे एंगल दूसरी दफ़ा और जो तीसरी दफ़ा एंगल है ये 135 पे। फिर टू लाइन्स पे आना है, मतलब यहाँ पे। फिर आप लोगों ने कर्व्स में आ जाना है, कर्व्स में आने के बाद आप लोगों ने इस सेटिंग को यहाँ पे रखना है, इस सेटिंग का स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा जो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक हो गया। और टेक पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है। यहाँ तक होने के बाद फिर आप लोगों ने सेकंड लेयर को कर देना है सेलेक्ट, सेकंड लेयर यहाँ पे सॉरी हाइड हो गई, इसको सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने करना है क्या, सिंपली यहाँ पर आ जाना है सेलेक्ट पे, पेंसिल में आना है, पेंसिल में आने के बाद सेलेक्ट पिक्सल आप लोगों ने कर लेना है, सेलेक्ट पिक्सल हो गया। फिर पेंसिल में आप लोगों ने आना है, फिर आप लोगों ने आ जाना है ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर में आने के बाद एक्सपेंड पेन है इसको फुल कर देना, टेक पे क्लिक कर लेना है। फिर आप लोगों ने इसकी एक एम्प्टी लेयर ले लेनी है, एम्प्टी लेयर ले ली। फिर आप लोगों ने करना है कि यहाँ पे आप लोगों ने एंड वाले ऑप्शन में आना, मतलब यहाँ पे, फिर यहाँ पे आने के बाद फिर टाइप पे क्लिक करके स्ट्रोक ले लेनी है, ठीक हो गया। और इसकी जो वेथ है ये 4 पे ही रखनी, पिक्सल डी सेलेक्ट कर देना है। फिर एफ एक्स में आना है, बेसिक में आना है और बेवल में आ जाना है और ब्लर 15, ठीक है। यहाँ पे ये सेटिंग देख लीजिएगा जिस पे ये मार्क लगा रहा हूँ, कलर वाइट, ब्लर 15, डिस्टेंस 15, कलर वाइट, पहला एंगल कितना 180 और जो दूसरा एंगल है ये कितना 45 और जो तीसरा एंगल है ये कितना 135।
यहाँ तक हो गया। फिर मेरा भाई सिंपली आप लोगों ने यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पे आने के बाद आप लोगों ने सिंपली यहाँ पे आना है और सिंपली ये सेटिंग रख के क्लिक कर देना है, इसको फुल ऊपर कर देना है, फिर इस लेयर को सिलेक्ट करना है, फिर एफ एक्स में आ जाना है, एफ एक्स में आने के बाद फोटो में आना है, फोटो में आने के बाद सिंपली ओल्ड सेपिया सेलेक्ट कर लेना है। इसके इंटेंसिटी 100 पे है और सेचुरेशन भी 100 पे करना चाहे कर सकते हैं, बाकी यहाँ पे भी ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आप लोगों ने सेकंड लेयर को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पे आने के बाद सिंपली आप लोगों ने कलर बैलेंस में आ जाना है, कलर बैलेंस में आने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने कलर ग्रेडिंग कर देनी है, जैसे भी आप रखना चाहें, लेकिन मैं रेड यहाँ पे कलर रखूँगा, बाकी अदरवाइज आप यहाँ पे कोई भी सेटिंग आप रख सकते हैं। ये सेटिंग आप लोगों ने रख लेनी है, ब्लू को -100 पे, ग्रीन को -100 पे और रेड को 100 पे, ठीक हो गया, यहाँ तक हो गया। लेकिन एक बात आप लोगों ने माइंड में रखनी, ये जो बीच में है ना, इसमें अगर गोल्डन करना चाहें तो कैसे आप लोगों ने करना है, कैसे आप लोगों ने करना है, एक दफ़ा बैक आना है, इस लेयर को सिलेक्ट करना है, मैजिक वैन टूल सेलेक्ट कर देना है, इस पर क्लिक कर देनी है, एफ एक्स में आना है और सनी आफ्टर नून ले लेना, तो ये देखें गोल्डन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये नहीं गोल्डन होगा, आप लोगों ने कहाँ पर आना है, नीचे वाली लेयर में आना है, फिर ये गोल्डन होगा, ये बात भी आप लोगों ने माइंड में रखना, गोल्डन हो गया। इस तरीके से आप मेरा भाई यहाँ पे मैं आप लोगों को करके दिखा भी देता हूँ ताकि आप लोगों का बाद में ये गिला शिकवा ना रहे, ठीक है। यहाँ पर मैं मोड प्लस कर देता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और सिंपली यहाँ पे मैं ये कर देता हूँ, यहाँ पे सॉरी नीचे वाले लेयर में आके ये काम करना है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर आप लोगों ने वही सेटिंग करनी जो मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ पर आना है और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है आप लोगों ने पूरे नेम को, यहाँ पे आएँ और कलर बैलेंस में आएँ और ये देखें रेड हो गया। इस तरीके से आप मेरा भाई रेड कर सकते हैं, यहाँ तक तो हमारा काम हो गया। फिर आप लोगों ने फर्स्ट लेयर को सेलेक्ट कर देना है, एफ एक्स में आना है, बेसिक में आना है और ग्लो में आ जाना है, यहाँ पर आप लोगों ने 0.6 ब्लर करना है, कलर वाइट कर लेना है। यहाँ तक होने के बाद आप लोगों ने करना है क्या, सिंपली आप लोगों ने फर्स्ट लेयर में आना है, फोटो लेयर में आना है, फोटो लाइब्रेरी में आना है, यहाँ पर आप लोगों ने लाइट ऐड करनी है, लाइट में आना है और येलो लाइट आप लोगों ने लगा लेनी है, इसका ब्लेंडर मोड स्क्रीन आप लोगों ने कर देना है, एक मैंने वाइट लाइट भी यूज़ की वो खुद लगा लीजिएगा। तो बाकी यहाँ पर दो PNG यूज़ मैंने किए, मैं एक PNG आप लोगों को लगा के दिखाऊंगा, ये PNG है, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने इसको लगाना है, बाकी यहाँ पर नीचे भी आप PNG यूज़ कर लीजिएगा। तरीका मैं यहाँ पर आप लोगों का ग्लास फंड रेडी, आप लोगों ने स्टैंड पे क्लिक करके इसको सेव कर देना है। फ्रेंड आज की हमारी बात यही थी वीडियो, अगर वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।